हाँ जी गुड मॉर्निंग, सही करा आवाज थोड़ी और। अब अपने पढ़ेंगे आभूषण, क्या पढ़ेंगे? लड़कियों को तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हाँ लड़कियों ने या तो पहन लिए या पहन लेगी, लड़कों तुम ध्यान दे लो, तुम्हें ला के देने पड़ेंगे। हाँ लड़कियों के आभूषण लड़कों को याद करने पड़ रहे हैं ना, अन्याय है, घोर अन्याय। अरे लो शांत हो जाओ, बैठो फटाफट बैठो जल्दी से, तुम्हें टाइम लगा देते हो फिर, मैंने इसीलिए कहा था 25 मिनट में कर देते ही। हाँ हाँ अब कोई ब्रेक नहीं है तुम्हारा, लो भाई देखो आप लो शांत हो जाओ, इधर देखो, देख अरे लो शांत हो भाई, आभूषण अलग अलग प्रकार से कैसे बांट सकते हैं हम अंगों के आधार पर बांट सकते हैं कि भाई सिर और माथे में कौन से पहने जाते हैं, नाक में कौन से पहन जाते, गले पे, छाती पे, अंगुलियों में, अंगूठे में कौन कौन से, यही हो सकता है। और आप पुराने सवाल भी देखोगे तो यही मिलेंगे आपको कि ये आभूषण कहाँ पहना जाता है कहाँ नहीं पहना जाता है। एक बार अपने ये मोटा मोटा देखते हैं अलग अलग कौन कौन से आभूषण है, फिर इनमें एक एक पढ़ेंगे कि कौन सा कहाँ पर यूज में आता है, फिर इनका डिस्क्रिप्शन देख लेंगे अपने। पहले अपने सिर वाले लेते हैं, कई कई सारे आभूषण तो ऐसे होंगे जिनके नाम अपने सुने हैं, उनके बारे में पढ़ने की अपने को आवश्यकता। पहला इसमें आभूषण दे रखा मेमंत, क्या दे रखा है? माथे का आभूषण होता है, किसका होता है? कभी किसी ने गाना ही सुना होगा, माथे माथे मेमंत ला दो मारा रंग रसिया, मुझे माथे का मेमंत ला के दो। एक मुझे और याद, एक पुराना गाना इसमें था कि वो एक महिला है जिसके पति बाहर चले गए, इसलिए वो कहती है अपनी सहेलियों, कहती है तुम मेरे पति को ढूंढ के ला के दो, मैं तुम्हें रखड़ी और मेमंत दे दूंगी, रखड़ी ले लो मेमंद ले लो। तो मेमंद और रखड़ी दोनों ही कहां बांधे जाते हैं? माथे। तो माथे के बाद अंदर दो कौन कौन से? वे मेमंद और रख। बोरला जानते हैं, बोर की आकृति का होता है, इसलिए क्या बोलने लगे? बोर। ये याद रखने वाला सा एक देखो, फिणी, क्या कैसे क्या होता है आगे देख लेंगे, याद रखने वाला कौन सा आपने दो? फिण। शीश फूल नाम से पता चलता है सिर का, इसलिए शीश फूल है। रखड़ी हो ही गया अपना, टिकड़ा, टिक्का टिक्का लगाते हैं तो टिकड़ा, टिकड़ा या टिक्का टिड्डी, तीनों टिड्डी भड़को, नाम देखो कितना जोरदार है, क्या नाम है? तो कौन कौन से? टिकड़ा, टिक्का, टिड्डी भड़को, ये तीनों कहाँ के हो गए? माथे। सांकली, वो यहाँ वो लटकती सी जो रहती है सांकली, ये एक याद रखने वाला देखो, तावीत, कौन सा है? ये तो सांकली याद रखना, सांकली माथे में, और ये कौन सा आपका? तावीत। बिंदी तो बताइए, गोफण और चूड़ा रत्न, कौन से? गोप, ये पूरा एक ही लगा मुझे, गोफन और चूड़ा रत्न, आगे और देख लेंगे अब। इसमें कुल मिला के याद करने वाले एक तो याद रखना फिणी, कौन सा है? तो फिणी कहाँ पहना जाता है? वैसे तो फिणी खाई जाती है, लेकिन महिलाएं माथे में पहन भी लेती है ना, तो फिणी। मेहमंत याद रह जाएगा, मेहमंत मैंने बताया दिया, मेहमंत रखड़ी। एक याद रखना है सांकली, कौन सा? एक तावीत, कौन सा? तो ये दो तीन नाम अलग है जो अपने को याद रखने वाले से, एक तो फिणी, एक कौन सा? सांकली, एक कौन सा? तावीत। कौन कौन से हो गए बताओ देखिए, फिणी सांकली तावीत, कौन कौन से? फिणी सांकली, बाकी याद रखने वाले से मेमंद याद रह जाएगा, रखड़ी रह जाएगा, बोरला याद रह जाएगा, टिकड़ा, टिक्का, टिड्डी भड़को, और एक गोफण चूड़ा रत्न, लास्ट वाला कौन सा? गोफण चूड़ा रत्न। तो ये वाले आपके आभूषण हो गए, या तो सिर के हो गए या किसके हो गए? माथे। तो सिर वाले तीन याद रख लो, कौन कौन से? फिणी सांकली तावीत, बोलो देखे फिणी। अब आ जाओ आपके नाक,
नथ अपने को पता ही, लूंग पहनते हैं पता ही, कंटा भी पता ही, चुन्नी याद रखना है, कौन सा है चुन्नी में परफ्यूम वाली वो चुन्नी नहीं है, और सोप सुनना देखो, सोप पहना जाता है नाक में, सूंप पहनी जाती है दांत में, सूंप कहां पहनी जाती है, मैं क्या ये 2013 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था 12 के लास्ट में, तो मुझे याद है 13 वाला जब प्री था उसे ठीक पहले हम रूम पर बैठे हुए थे एक दिन पहले, भाई सुबह प्री रात को बैठे थे, मेरे एक रूममेट है उन्होंने कहा कि अल्लाह तू राजस्थान जीके पढ़ाता है, मैं तेरे से राजस्थान जीके के सवाल पूछ लेता हूँ, तैयारी कैसी है कैसी नहीं है, तो मैं बोलो पूछो, तो उनका अल्लाह बता देगी चूंप कहाँ पहनी जाती है, तो मैं चूंप दांतों में पहनी जाती है, अगले दिन प्री में क्वेश्चन था कि चूंप कहाँ पहनी जाती है, मगर यार आप तो भूमिया सा महाराज हो, एक ही सवाल पूछा और वोकल एग्जाम के अंदर आ रखा था, याद रखना चोप तो पहनी जाती है नाक में, चूंप कहाँ पहनी जाती है दांत, तो दोनों अलग अलग, नथ लॉन्ग कांटा याद रह जाएंगे, ये तो याद रखना अपना, इधर चुन्नी कौन सा है, चुन्नी याद रखना, चौप तो आप याद रह जाएगी, एक बारी कौन सा बेसरी मैं आपको बताता हूं, अपने आगे पढ़ेंगे किशनगढ़ स्टाइल की जो भी पेंटिंग है उनमें महिलाओं ने नाक में जो भी पहन रखी है वो कौन सी होती है बेसरी, तो बेसरी अपने किशनगढ़ स्टाइल वाली पेंटिंग में वो पढ़ लेते हैं उधर वो हो जाएगी, एक याद रखना भौंरा कौन सा है, तो भौंरा कहां पे बैठता है आके नाक पे, कहां बैठ रहा है नाक पे, तो याद रह जाएगा, तो दो याद रखना इधर चुन्नी और बारी कौन कौन से, सिर में तो याद रखने वाले कौन कौन से हैं, सांकली और तावी कौन कौन से, फिनी सांकली और इधर आपके नाक में याद रखने वाले चुन्नी और बारी कौन कौन से, चुन्नी इधर कान, कान के अंदर भी आपके कर्ण फूल याद रह जाएंगे, झूलते रहते हैं इसलिए जेला जमेला, जमेला लेके लड़कियां घूमती रहती है कान में जमेला रहता है वैसा, फूल फूल याद रह जाएंगे, बरेली के बाजार में सुरलिया, एक बार सवाल पूछा हुआ है कि सुरलिया कहां पहना जाता है, तो सुरलिया कहां पहना जाता है, तो कान में अपने याद रखने वाला कौन सा है सुरलिया, एक अंगूठा कौन सा है, तो अंगूठा का अंगुली से कोई लेना देना नहीं है, अंगूठा कान में, अंगूठा कहां पर है कान, बाली पता ही है, पत्ती पत्ते जैसा हो जाए तो पत्ती, बजटी याद रखना कौन सा याद रखना, ये बार क्वेश्चन भी था कि बजटी कहां बन जाती है, बजटी कहां बन जाती है, तो बजटी लटकता रहता है तो लटकन, गूदड़ा वो मोटे मोटे जो करवाते हैं गांव के अंदर वो उनको गूदड़े बोलते हैं, कान में गूदड़े भी लेके चलो, जमीला भी लेके चलो, और मुर्खियां, मुर्खियां जानते हो, बालियां, बालियां जो छोटी बालियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं मुर्खी, वह 2008 में एक बार ईओ का एग्जाम था, अभी ये ईओ वाला एग्जाम हुआ, उस ईओ के एग्जाम में क्वेश्चन था कि मुर्खियां कहां पहनी जाती है, तो ये मुर्खियां कानों में, मैं तब रखा करता था छोटी छोटी कानों में पहनी भी रखता, तो मैं एक दिन कहीं जा रहा था और को तीन लड़के, उस दिन वो एग्जाम हुआ, मैं पैदल पैदल जा रहा तो तीन लड़के मुझे यूं देख देख के यूं सारे करे, तो मुझे लगा ये कूटेंगे, मुझे लगा क्या बता कोई लड़ाई वड़ाई हो रखी हो कहीं, आज मैंने को अकेला दिख गया मारेंगे, तो मैं तेज तेज दौड़ चला और वो आपस में बार बार बात करेंगे, वो अब वो दूर तो मुझे सुनाई भी नहीं दे, अब मैं गया, अब मैं जिनके दोस्त के पास गया था वहां गया, वो ईओ का एग्जाम देख के आए थे, तो आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो कि यार क्वेश्चन आया आज तो मुर्खियां कहां पहना जाता, ये देखो राजवीर ने कान में पहन रखी, उन्होंने वापस कहा ये देखो, तो मुझे समझ में अच्छा वो भी यही कर रहे थे, ये देखो इसने पहन रखी है, तो मुर्खियां कहां पहनी जाती है कान, तो कान वाले तीन याद रखने, सुरलिया अंगोटा बजटी गुदड़ा, ये चार थोड़े से याद रखना, बाकी तो याद हो जाएंगे अपने, कौन कौन से सुरलिया अंगोटा बजटी और बाकी नाम से पता, कर्ण फूल कान का, जेला जमेला, जेला जमेला दोनों ही कान पे होते, कान फूल झुमका सुरलिया अपने कर ही रहे, अंगूठा कर ही रहे, बाली पता ही है, पत्ती बजटी अपने कर ही रहे, उधर लटकन पता होगी, गूदड़ा मूर्ख, तो तीन चार याद करने, कौन कौन से सुरलिया अंगूठा बजटी गूदड़ा, कौन कौन से सुरलिया अंगूठा और गूदड़ा, इधर आपके सिर पे कौन कौन से याद रखने, फिनी सांकली ताबी, कौन कौन से फिनी, नाक में कौन से याद रखने, चुन्नी और बारी, चुन्नी और बारी, कान में कौन कौन से सुरलिया अंगोटा बजती और उदड़ा, इधर गले गले और छाती वाले देते, यहाँ तो भाई साहब खूब सारे हैं, इधर एक उधर तो बजती है, इधर है तुलसी बजती, कौन सी है, तो गले में कौन सी आपकी तुलसी बजती, माला माला तो कहते गले में आएगी सारी, तो चंद्रमाला कंठमाला मटरमाला मोहनमाला मुक्तामाला, लड़कियों क्या क्या पहनती हो तुम, कौन कौन से, चंद्रमाला कंठमाला मोहनमाला मुक्ता, मुक्तामाला का एक नाम हो रहा है सुमरगी, क्या नाम है
आगे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उनमें लिखा हुआ है कि अमीर महिलाएं सुमरगी पहनती है, तो भाई साहब ये और ध्यान रखना है, यदि आप सुमरगी पहनो इसका मतलब क्या हो अमीर। हार हार तो होता ही, हमेल हमेल तो सेकावटी में बहुत फेमस है, सेकावटी में जो भी है तो शादी के टाइम में हमेल वाला रहता है कि हमेल बनवाड़ी हमेल, तो हमेल याद रखना। कौन सी है? हमेल। हालरो, ये है वाले हार से जो वाले इधर ही आएंगे, हमेल, हालरो, हांसली। वास्तव में हांसली है ना, ये जो अपने हड्डी होती है यहाँ वाली, ये हांसली होती है। तो मुझे याद है छोटे बच्चों को पहना के रखते थे पहले कि हांसली खिसक ना जाए, छोटे टापरों की हांसली खिसक जाती है इसलिए हांसली होती है, तो वो भी हो गया हांसली। इसको खुंगाली कह दिया। हाकर, ये कौन सा है? हाकर लिख लेते हैं अपने, हाकर। चंपाकली, कंठ मेर बताते थे, कंठ सर, कंठ मेर, कंठ सर नाम से कंठी का। ये झालरो है, झालरो वास्तव में झालरो, झालरो। जुगावली ये भी लिख लेते हैं, कौन सा है? जुगावली। मंगलसूत्र बताइए। मादलिया, मादलिया येल, ये मादली है। जो भी इस प्रकार के छोटे छोटे पहने जाए मादली ये होते हैं, मादली। चंदन हार, हार से पता चल गया। चौकी, चौकी याद रखना। निबोरी, थमणी हो तमण दामणी हो, ये तो होता ही है कोई। आड़, आड़ तो जानते हो, शादियों में लड़के वाले लेके जाते हैं आड़, ननियाल वाले भी लाते हैं, ननियाल वाले भी आड़ लेके आते हैं, तो ननियाल वाले। ठुस्सी, ये पहले गांव में ही हूं, लड़के वाले मांग किया करते थे कि भाई रे दहेज में ठुस्सी लेंगे, तो ठोस ठोस के सोना देना होता था उनको, तो ठुस्सी। ठुस्सी भी कहां बनी जाती है? गले में। पंचलड़ी, पांच लड़ियां बना दी इसलिए क्या होगी पंचलड़ी। पोत, रामनवमी और तांती तो होती है, देवी देवताओं की बांधते हैं, ना हाथ में भी बांध लेते हैं, यहां भी बांधते हैं तांती, गले में बांध लेते हैं, देवी देवताओं की कोई बीमारियां बीमारियां तो इस प्रकार की तांती बांधते हैं। मैं ना ये पहना पहना के नचाऊंगा इधर, चुप हो जाओ वरना। तो इधर आपके तीन चार याद रखने, कौन कौन से? जुगावली, हमेल, हाकर, झालरो, चौकी, निबोल। बाकी नाम याद होने वाले से कोई बड़ी बात। रामनवमी देखो थोड़ा अलग सा नाम याद रखना, तो रामनवमी कहां पहना जाता है? राम जी गले में धारण किए जाए, तो रामनवमी कहां पहना जाता है? आपका गले। तो इधर याद रखना कौन कौन से? जुगावली, हमेल, हाकर, चौकी। इधर आपके पहले तो सिर वाले बताओ, फीणी, सांकली, ताबी। कौन कौन से? फीणी, नाक में चुन्नी और बारी, कान में सुरलिया, अंगोटा, बजटी, गोदड़ा। बजटी तो उधर कान में, तुलसी बजटी इधर गले के अंदर। और ये कौन कौन से हो गए? जुगावली, हमेल, हाकर, झालरो, चौकी और निबोरी। दोनों एक साथ बोलो, देखिए हमेल और हाकरो एक साथ हो जाएंगे आप, हमेल, हाकर और झालरो, हमेल, हाकर और झाल, हमेल, हाकर, झालरो, चौकी, निबोरी। एक याद रखना है जुगावली, कौन सा याद रखना है? इधर वाले जो अलग अलग से नाम है वो पढ़ लेते हैं ताकि इनमें से कोई जाए, बाकी देखते ही पता चलता है अपने को। तो आपके सिर पे तो कौन कौन से? फीणी, सांकली, तावीत, नाक में चुन्नी और बारी, कान में सुरलिया, अंगोटा, बजटी, गुदड़ा। उधर आपके हमेल, हाकर, झालरो, चौकी, निबोरी। एक ऊपर वाला कौन सा है? जुगाव। कौन सा है? जुगाव। अब इधर आ गया हाथ, बाजू में या हाथ में। अनथ, अनथ थोड़ा अलग सा नाम है, देखो ना आगे देखेंगे इनको, आपने देखेंगे भी। आंवला, आंवला याद रखना, इधर बाजू में क्या बांधते हैं? आंवला। सेवटा, ये थोड़ा अलग सा नाम है। अनथ और कौन सा आ गया? सेवट। कड़ा, ये सब समझते हो, हाथ में ही बांधेंगे। कड़ा, कांकण, गजरा, गजरा हाथ में ही होगा। गोखरू, ये याद रखना है, गोखरू। ये मुझे याद है कई बार पूछा कि गोखरू कहां पहना जाता है हाथ में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन, नोगरी कहां पहनते हैं? नोगरी, नवरतन, ठड्डा, बट्टा, तकमा और इसमें फूंदना पता ही है, मोखड़ी, बंगड़ी, बंगड़ी तो पता ही है, बंगड़ी बांधते हैं, बलिया, हथफूल हाथ में हो जाएगा, लंगर, हाथों में लंगर डालने पड़ते हैं भाई साहब। हार पान, हाथ पान होगा यार, मतलब हाथ पान है, गलती से लिख दिया, हाथ पान ही लगा, हाथ में वो पान जैसा बांधते तो हाथ पान। इधर अपने अलग से कौन से हुए? अनथ, सेवटा, गोखरू, नोगरी और लंगर। दोबारा बोलो, देखे अनथ,
क्या क्या नाम है? अनत, सेवटा, गोखरू, नोगरी, उधर वाले पीछे वाले में अपने कौन कौन से अलग अलग थे? इधर आप जैसे जुगावली, हमेल, हाथरो, चौकी और निबोर, इधर सुरलिया, अगोटा, बस्ती और गुदड़ा, नाक में चुन्नी और बाद, सिर पे फीणी सांकली और तब, और इधर आपके कौन कौन से? अनत, सेवटा, गोखरू, नोगरी, लंगर। तीनों एक साथ बोलो, गोखरू, नोगरी, लंगर। बोलो देखे, क्या नाम है? गोखरू, और दो ऊपर वाले अनत और सेव। तो पांच कौन कौन से हो गए? अनत, सेवटा, गोखरू, अंगुलियों के अंदर मुद्रिका, मुद्रिका तो मुंदड़ी, मुंदड़ी है ना, क्या एक पंजाबी गहना ना, कोई था किसी के नाम भी मुंदड़ी बनाई, फिर कोई था किसी का नाम बीनी लिखाया, फिर कि कोई तो किसी के नाम की अंगूठी बना के घूम रहा है, कोई किसी का नाम अपने हाथ पे लिखवा के घूम रहा है, असी लोगों तो वखरा सा बाहर रखिया, ऐसा कुछ लंबा सा गहना है। तो मुंदड़ी, मुंदड़ी एक उसमें कि हनुमान जी मुंदड़ी तो लेके आते, मुद्रिका, मुद्रिका ही तो लेके आते, तो मुद्रिका, तो मुंदड़ी, मुद्रिका, तो अंगुली में होगी, अंगूठी बोलते हैं, बिंटी बोलते हैं, हथपान, तो फिर वो उधर हार पान ही है ना, तो हो सकता है हार पान और ये अलग अलग, हथपान हो गया। दामना, ये एक बार सवाल पूछा याद रखना कि दामना कहाँ पहनते, अंगूठी होती है मोटी अंगूठी, छड़े ये बच्चों के डालते हैं, बच्चों के छड़े हैं, छल्ले हैं, ये सब होते हैं, छल्ले, छल्ले, अंगूठी को छल्ला ही कहते हैं, पंजाबी में भी छल्ला ही कहते हैं, तो छल्ला हो गया आप। तो कौन कौन से हो गए? अरसी, अरसी याद रखना, एक अलग से कौन सा नाम है? अरसी, अरसी और दामना, बाकी नाम याद रखने वाले से, कोई मुद्रिका, अंगूठी, बिंटी, हथपान, छल्ला। हथपान कहाँ पहना जाता है? हाथ में ही है, कोई ज्यादा बड़ी बात है। कमर में कंदोरा, करदनी है ये, करदनी, अरे टापरों के तागड़ी नहीं बांधते थे वो, तागड़ी है जी, और क्या है? कंदोरा, करदनी, कणकती, तागड़ी, दो याद रख लेना, सटका और चौथ। कौन कौन से दो नाम अलग है? सटका और चौथ, तो ये दो थोड़े से अलग से नाम। तो सटका और चौथ कहां बांधे जाते हैं? कमर में, अरसी और दामना, अंगुलियों में, और अनत, सेवटा, गोखरू, नोगरी और लंगर कहां पर है? बाजू या हाथ में। उधर पीछे वाले हम बताओ देखे वापस अपने, सिर पे कौन कौन से? फीनी, सांकली, ताबी, नाक में चुन्नी और बारी, कान में सुरलिया, अगोटा, बजती और गोदड़ा, बजती और गोदड़ा। उधर बाद में इसके अंदर अपने लेके आगे कौन सा था? जुगावली और कौन से? गोखरू, कौन से? हमेल, हाचा, उधर हमेल, हाकर, झालरो, चौकी और निबोर, चौकी और निबोर। इसमें आगे वाले में आ गया आपने, अनत, सेवटा, गोखरू, नोगरी और लंगर, और इधर अंगुली में अरसी और दामना, और कमर में दो अलग, सटका और चौथ। कौन कौन से याद रखने? सटका और चौथ। पेरा, पेर, अभी तो हाथ, हाथ और यही हुआ, पेर पड़ा, पेर में झांझर, झांझर नु छण का गई जांदी जांदी, एक नवा पवाड़ा पा गई जांदी जांदी, गाने ना ऐसे पंजाबी, तो झांझर है। एक वो है ना, कौन सा एक वो, कौन सी मूवी का गीत है उसमें, और दो लड़कियां बैठी है, एक लड़की पाजे पहन रही है, तो दूसरे वाली उससे पूछती है कि इन्नी सोनी झांझरा कितों मंगवाई गई? मुल्तान। तो इसका मतलब मुल्तान की झांझरें सबसे अच्छी होती थी, तो झांझर कड़े कड़े पहनते ही। टोडा याद रखना, टोडा और टंका, एक तो अनत, अनत तो उस पीछे वाले में, इसमें अनका क्या है? अब ये अपने को याद ही करने पड़ेंगे, इसके अलावा अपने पास कोई चारे नहीं है, नाम याद करने पड़ेंगे। आंवला उधर भी एक देख, हाथ में भी देखा, इधर इधर पैर में भी, पायल बताइए, रमझोड़ मैं भी बता ही रहा था, लंगर उधर भी देखा, हाथ में भी और पैर, तो वो एक जैसे होने, पायल ही नुपुर, नूपुर ऐसे लिखा जाता, देख लेना हिंदी में खूब बार पूछते हैं सही कौन सा, गलत कौन सा, उस प्रकार का। तो नूपुर, नेवरी, नेवरी वाला तो मैं कभी किस्सा मैंने बताया होगा आपको कि नेवरी है ना, पैरों के अंदर बांधते थे, घोड़ों के बांधते, आभूषण भी होता है घोड़ों के भी, नेवरी आभूषण बांधा जाता, तो यदि एक पैर में नेवरी बांधते तब तो होता राजकुमार का घोड़ा, और यदि दोनों पैरों में नेवरी बांधते तब होता राजा का घोड़ा। बीकानेर के म्यूजियम के अंदर, बीकानेर में चुनागढ़ के अंदर एक पेंटिंग लगी हुई है जिसमें ऊपर लिखा हुआ प्रिंस बिक्का, क्या लिखा हुआ है? मतलब बिक्का का उस टाइम की पेंटिंग है जब बिक्का क्या है? राजकुमार।
और बिका घोड़े पर बैठा है। अब यदि बिका घोड़े पर बैठा है तो बिका के घोड़े के एक पैर में नेवरी होगी, दोनों एक पैर में नेवरी होगी, तो उसके एक पैर में नेवरी है। तो एक बार कोई घूमने के लिए आए लोग, और लोग घूमने के लिए आए तो उन्होंने उस पेंटिंग को देखी। वो पेंटिंग बनाई हुई एच म्यूलर की, किसकी बनाई हुई? म्यूलर, जो दुर्गादास राठौड़ की पेंटिंग बना के गया था। म्यूलर जर्मनी का बहुत अच्छा एक पेंटर था, अपने यहाँ कई पेंटिंग बना के गया। तो आजादी के बाद भी अपने कोई घूमने वाले गए, उन्होंने विद्वान लोग गए, उन्होंने कहा अरे यार म्यूलर इतना अच्छा पेंटर था और फिर भी गलती कर गया कि देखो यार गलती से उसने घोड़ा बनाया लेकिन घोड़े के दोनों पैरों में आभूषण नहीं दिखाए, एक पैर में आभूषण दिखा दिया, नेवरी एक तरफ है दूसरी तरफ नेवरी नहीं है। तो वो जो गाइड था बीकानेर में उसने कहा कि सुनो म्यूलर तो समझदार ही था, तुम्हें राजस्थान की कल्चर नहीं पता। राजस्थान में राजा के घोड़े के तो दोनों पैरों में नेवरी होती थी, राजकुमार के घोड़े के एक पैर में नेवरी होती। इसमें लिखा हुआ है प्रिंस बिका, प्रिंस बिका लिखा है, इसका मतलब घोड़ा किसका है? राजकुमार का। और राजकुमार का घोड़ा तो नेवरी, तो नेवरी हमेशा पैरों में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? घोड़े के पहनाओ, मनुष्य के पहनाओ, किसी के पहनाओ, तो नेवरी। एक धड़ याद रखना, कौन सा है? बाकी एक जैसे पैर हाथों वाले, तो कभी वो कन्फ्यूजन भी नहीं करवाते, पैर हाथ में एक जैसे होते हैं तो होते ही उसमें क्या। तो आपके इसमें याद करने वाला कौन सा हो गया? एक तो आपने अणका और तेद, अणका और तेद, और ये याद हो जाए। और तो इसमें कौन सा लिख सकते हैं अपन? तोड़ा, तोड़ा याद कर लेते हैं ना, तोड़ा और टंका याद कर लो, पैर में टंके लगाने पड़े भाई, तो तोड़ा और टंका, अणका और तेद, तीनों एक जैसे नाम। देखो अणका तोड़ा टंका, क्या क्या नाम है? अणका टोडा टंका, एक नाम तेधड़, तेधड़ तो वैसे अलग सा नाम हो तो याद हो जाए। पैर की अंगुलियों में कौन कौन से? गोर, गोलमा, अंगूठे में पहनो तो अंगूठा, हाथ में पहनो तो हथपान, पैर में पहनो तो एक नाम अलग से नाम। देखो फोलरी, कौन सा नाम है? फोल, एक अपने नाम याद कर लिए, गोलमा, बाकी तो नाम बिछिया तो जानते हैं, अंगुलियों में जो पहनते हैं बिछिया होती है, और दांत के अंदर मैंने चूम पता है एक, वो कई बार है ना अपने सोने चांदी की प्लेट लगवा लेते हैं कई दांतों के बीच, उसको बोलते हैं रखन। वो जो सोने चांदी वाली प्लेट कई दांतों के अंदर लगवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रखन। तो दांत के तो दो ही आभूषण, सीधे सीधे याद ही कर लेना अपने को, ये तो रखन और एक कौन सा? चूम। पैर की अंगुलियों वाले दो अलग याद रखने हैं, फोलरी और गोलमा, फोलरी और गोल। उधर अपने अणका टोडा टंका तेदड़, कौन कौन से? अणका टोडा, दोबारा नाम बताओ, अणका टोडा, तो ये पैरों वाले तो याद हो जाएंगे वैसे। तो पैर के अंदर तो कौन कौन से? अणका टोडा टंका तेदड़, पैर की अंगुली में फोलरी और, फोलरी और गोलम, दांत वाले दो याद रखने, रखन और चूम, रखन और चूम। उधर वाले देखते हैं अपने आभूषणों में, उधर बाजू वाले कौन कौन से याद रखने अपने को? तो अणत सेवटा गोखरू नोगरी और लंगर, दोबारा बोलो देखे, अणत सेवटा गोखरू नोगरी, तो गोखरू कहाँ पहना जाता है? हाथ। कहाँ पहना जाता है? हाथ। लंगर भी कहाँ पहना जाता है? नोगरी भी हाथ। इधर आभूषणों में अंगुलियों में दो आपके अरसी और दामना, अरसी और कमर के अंदर अपने दो सटका और चो, सटका और चो। इधर याद हो ही गए थे अपने को, फीणी सांकली तावी चुन्नी बारी सुरलिया अगोटा बजती और गुदड़ा, इधर अपने जुगावली हमेल हाकरो झालरो चौकी, ये थोड़े अलग से नाम है जो सीधे सीधे अपने देख के नहीं पहचान सकते, वो नाम याद कर लेने अपने। तो गोखरू कहां पहना जाता है? सटका कमर के अंदर, और लंगर और टोडा टंका और अणका, रखन और चूंप, अच्छा फोलरी और गोलमा, पैर की अंगुलियों, किसमें? पैर, पैर की अंगुलियों। अभी एक एक पढ़ते हैं अलग अलग, महिलाओं के वापस देख लेते सारे नाम, जो नाम दिए हुए नाम से अपने को पता चल रहा है सीस फूल, तो नाम से पता चलता है। विशेषता पढ़ो देखे, मस्तक के पीछे बालों पर दोनों ओर सोने की बारीक सांकल बांध कर ललाट पर लटकाई जाती है, लटकाई जाए, और वैसे तो शीश फूल, शीश पर लटका हुआ फूल रहे तो अपने नाम क्या हो गया? शीश। बोरला जानते हो, है ना, बोर के समान होता है इसलिए बोरला, इसमें तो क्या है पीछे हुक लगा होता है और उसमें वो धागा बांध के पीछे बांधती है। बोरला तो घर में मम्मी के देखा होगा, है ना भाई, वो तो रखड़ी और बोरला तो मम्मी की पीढ़ी वाली महिलाएं केवल रात को सोते टाइम ही उसको को खोलती है, बाकी तो वो पूरे, तो मेरे मम्मी रखते हैं, तो मैं अब कई बार हंसता हूँ, मम्मी अब क्यों बांधती है, अब इसको खोल दिया कर, तो कि अब यदि मैं इसको खोल दूं तो मेरा लुगड़ा नहीं टिके। अब वो आदत पड़ गई हमें कि भाई वो चुन्नी वो ओढ़नी जो है यहीं आगे टिकती है, वरना वो टिकेगी नहीं, सिर पे नहीं टिकेगी। तो बोरला तो पिछले पीढ़ी की सारी महिलाएं बांधती थी, अब जाके थोड़ा रिवाज कम हुआ, पहले लेदे के यही आभूषण थे जी,
दो चार पांच साथी आभूषण हुआ करते थे, इतने रुपए हुआ करते थे लोगों के पास में, ये बांध लिया करते। अब रुपए आ गए ज्यादा, आभूषण हो गए ज्यादा, तो भांत भांत के बांधो बोले तो बोरला, अगला रखड़ी, बोर के समान ही होता है बोरला रखड़ी, थोड़ा बहुत अंतर होता है। बिंदी, तो बिंदी जानते ही हो, इसमें तो क्या बताना। मेमंद, अभी हम याद भी कर रहे थे, मेमंद मेमंद गीतों में गाया गया बाकायदा, माथे मेमंद ला दो मारा रंग रसिया, तो मेमंद आपका। टीडी भड़को, अभी अपने याद किया कौन कौन से तीन वो पढ़े थे, टिक्का टीकड़ा टीडी भड़को, कौन कौन से टिक्का, मांग भरने के बाद ये मांग भर गई, उसके बाद ये वाला जो है ना इधर, ये जो चल रहा है ये आपका टीडी भड़को है, बताया हुआ एकदम। मांग मांग निकाल ली, मांग के बाद में इधर जो दोनों तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं, टीडी। ठीक करवा रहे हो यार मेरे से। अगला कौन सा है, गोप, ये बालों की लत, ये लत लगती इसने, इसमें कोई लत में भी कोई लगाते हैं क्या आभूषण, पीछे चोटी में लत, तो आगे जो आती है वो होती है। कौन है, दिन मैं कहीं पढ़ रहा था कहीं कि लड़कियों इन बालों को ढंग से कटवाया करो, ये तुम्हें पता है कि पीछे नहीं जाती, फिर भी तुम्हें बार बार क्यों ले जानी होती है इनको पीछे, तो बालों की लत को क्या बोलते हैं, गोफण। वैसे तो गोफण है ना गांव के अंदर, वो शिकार के लिए, शिकार के लिए मारते थे, वो क्या होती थी, पर लत भी तो शिकार ही कर लेती है। एक ही बात, टीटी भड़को हमने पढ़ी लिया, अभी गोफण याद रखना अपने, तो गोफण लट होती याद रहेगी। कर्णफूल जाने गए, कान के आभूषण, झुमका बताइए अपने को, थोड़ा अलग जो आएगा वो देखेंगे थोड़े। पीपल पत्ता, पीपल पत्ता भी कान में भाई, पीपल पत्ता कहां पहना जाता है, कान के ऊपरी हिस्से में। यार ये भी आजकल नहीं पैसे, नहीं पहले केवल यही होता था है ना, हाँ आजकल तो पांच सात ही पहन ले। तो मेरे कजन सिस्टर है तो उसने यू तीन चार जगह करवा रखे, तो मैंने उसको एक बार कहा कि फालतू में दर्द करवाती एक खूब है, उसने कहा नहीं इसमें एक लालच है। क्या लालच है, ये देखो तीन चार होंगे तो तीन चार सोने के देने पड़ेंगे तुम्हें, एक जगह होता है एक ही दे दोगे तो हमारे तीन चार अलग अलग, तो भाई अलग अलग पहने भी जाते हैं इसका मतलब। तो पीपल पत्ता कान के ऊपरी हिस्से के अंदर, बजती झुमके के साथ, झुमके के साथ लटकता रहता है, तो कौन सा दूसरा आपका बजती, तो ये बजती एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, तो झुमके के साथ लटका रहता है उसको क्या बोलते हैं, बजती कान के अंदर। अग्निया अभी अपने कर ही रहे थे, अग्निया तो अलग से याद कर रहे थे, पान के पत्ते के समान होता है कानों के ऊपरी हिस्से, ये भी ऊपरी हिस्से, जैसे ऊपरी हिस्से में कितने पन होंगे, ऊपरी हिस्से में पिछला कौन सा था, अच्छा पीपल का पत्ता भी ऊपर और पान का पत्ता भी ऊपर, भाई ये पान के पत्ते जैसा तो ऊपर दो, पीपल का पत्ता भी लगाना है तो पान का पत्ता भी लगाना है। अग्निया अग्निया ओगनिया है ना, नथ मेमंद मेमंद के अंदर बांध के वो पीछे की तरफ जाएगी नथ। लौंग लौंग तो बताइए अपने, लौंग हमारे लस्कर ऐसे गीत आते हैं, कांटा कांटा नाक में कांटा तो पहनते ही, भंवरा भंवरा है ना बिश्नोई में, वो जो मोटा जो होता है बड़ा बड़ा लौंग लो जो होता है गांव में अक्सर महिलाओं के देख लेते हैं ये तो। बेसरी मैंने बताया अभी आपको, नाक के अंदर ही होता है वो, डोरी लगा के सिर में बाड़ों में बांध लेते हैं उसको, उसमें मोर नाचता हुआ मोर बना रहता है उसमें, क्या बनता है उसमें नाचता हुआ, बेसरी। बेसरी तो किशनगढ़ वाली स्टाइल, चूंप मैंने बताया अभी है ना, दांत दांत के बीच में, रखन मैंने बताया, देखो दांत में सोने चांदी की प्लेट, यही बताया था मैंने, तो चूंप और रखन दो ही याद करनी है उधर। गले के हार, हार जानते ही अपने, चंद्रहार शहरी महिलाओं में, शहरी महिलाएं ज्यादा पहनती है, पहनती नहीं। अगला कौन सा, जालरा, जालरा भी उधर हमने देखा ही था, गले के अंदर सोने व चांदी की लड़ियों से घुंघरे और लगे रहते हैं उसमें, कांठला कंठ में है इसलिए क्या हो गया कांठ, वो छोटे बच्चों के गले के अंदर इन बांधते हैं। तांती देवी देवताओं के नाम पे जो गले में बांधी जाए तांती, कंठी कंठी या चेन मारवाड़ क्षेत्र में ज्यादा। अभी वो एक गाना पॉपुलर हुआ तो नहीं सुना, कंठी पर मोर बोला है पर आबनड़ी ना बोला है ना, कि वो कंठी जो होती है कंठी में मोर बना हुआ रहता है, कि एक बार कंठी का मोर बोल जाएगा लेकिन बनड़ी बोलने का नाम नहीं सुना वो गाना लगाया।
नहीं जाए, नान क्या हो गया, तो मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय, तो मारवाड़ का गीत। मुक्तमाला सुमरगी अभी हमने पढ़ाई था, ये देखो प्राचीन काल में अमीर परिवार की महिलाओं में, अब मोतियों की माला, कोई महंगे मोती लाते होंगे जी, लाजवर्द मंगाते होंगे, लैपिस लाजुली आती होगी कहीं से, हंसली मैंने बताई दिया ये वाला, तो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे बच्चों के हंसली खिसकने से बचाने के लिए, ये यहाँ वाली ये बटाबर कई बार खेल खेल में खिसक जाती है इधर उधर, फिर उसके लिए हंसली बांध के रखते थे। ठुसी मैंने बताई दिया, लड़के वाले नेकलेस, नेकलेस की तरह होता है पर इससे थोड़ा भारी होता है, अपेक्षाकृत बड़ा होता है। ये तिमणियों धमणियों आड़ तेड़ो, आड़ आड़ होती है, आड़ जानते हो सारे, आड़ तो जानते हो सारे, हाँ आड़ के बिना शादी नहीं होती, ये कह रहा है इस चक्कर में इतनी रुका हुआ, व्यवस्था करवाए यार, रामनवमी ध्यान रखना है ना, सोने का अपना लंबा गहना जिसके दोनों ओर मादली लगे होते, नाम देखो थोड़ा अलग सा ना, तो पूछ लेते रामनवमी कहाँ पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है, हमेल, अभी हम बात कर रहे थे, ये देखो लिखा हुआ अभी शेखावटी क्षेत्र में, हमेल हाकरो अभी पढ़े हमने ना, रामनवमी हो गया, हांसली वापस वो बरजेटी, एक बजेटी पढ़ता पढ़ा था उधर अपने कान के अंदर, ये अपना पढ़ रहे हैं बरजेटी, ये कहां पर आपका गले, तुलसी बजेटी ने पढ़ा था ना गले में शुरुआत, वो ही है, आड़ आड़ आएगी। चौथे फेरे में अनुमन ननिहाल पक्ष के द्वारा दुल्हन को पहनाए जाते, फेरे खत्म हुए मामोसा उधर से लेके आते वो पहनाते थे, आड़ वो भी लेके आते, लड़के वाले भी लेके जाते हैं, जोध अकबर ने फेमस कर दी इसको, तब ज्यादा हुई होगी भाई। तुलसी रामनवमी तुलसी दोनों ही आपके इसमें, छोटे छोटे मोतियों की माला तिमणिया ठूसी के साथ पहनी जाती, तिमणिया और ठूसी पहनो साथ में, क्या पहन लो, तुलसी। मंगलसूत्र जानते हो आप सर, अच्छा ये तो वस्त्र आ गए, वापस देख लेते हैं लो एक बार है ना, वाद्य यंत्र वापस देख ले, वाद्य यंत्र क्या है ये, आभूषण, यही है, ये अपने सिर वाले कौन कौन से अलग से याद करने, फीणी सांकली ताबी, तीन नाम अलग से बाकी सारे समझ में आ रहे थे, फीणी सांकली और ताबी, नाक में कौन से सुनी और भारी, कान में सुरलिया अगोटा बजटी और गुदड़ा, और इधर गले और छाती में जुगावली हमेल हाकर झालरो चौकी निबोर, चौकी और निबोर निबोरी, इसके बाद में इधर आपके कौन से, आपके बाजू वाले, तो ये तीन दो अनत सेवता गोखरू नोगरी लंगर, गोखरू नोगरी लंगर बोलो, देखिए तीनों तीनों कौन से, गोखरू नोगरी अनत और सेवता, कौन कौन से याद करने, ये बताए थे मैंने, अरसी और दामणा, अंगुली वाले कौन से, अरसी और दाम, कमर में सटका और चोत, सटका और चोत, तो गोखरू कहां पहनते, हाथ में, दामणा अंगुली में, दामणा कहां पे, अंगुली में, याद रखना ना, थोड़े से अलग अलग हो गए, और इधर आपके ये इधर कौन से हैं वो, इधर पैर, पैर वाले मैंने बताए थे, टोटा टांका और पहला कौन सा, अणका तेदड़, याद करना अणका टोटा टांका तेदड़, पैर की अंगुली में फोलरी और गोलम, नाक में दांत में सुन रखन और चू, ये तो याद हो जाएंगे, ये अपने अलग अलग वाले पढ़े थे जिसमें थोड़े से कौन से अलग देखे थे वो देख लेते, नाम देख लिए थे, रखड़ीन ये सब, मेमंद वापस याद रखना, मेमंद टीडी भड़को नाम, या गोफण बाड़ों में लटको क्या बोलते हैं, गोफण कर्णफूल हो जाएगा, झुमका आई जाएगा, अलग सा कौन सा, और पीपल पत्ता और एक पान पत्ता, दोनों कान के ऊपरी हिस्से, दोनों याद रख लेना आपने, अग्नि अग्नियों को बोलते हैं, पान के पत्ते वाला अग्नि होता है, नथ हो गई आपकी लोंग पता ही अपने, कांटा भंवरा याद रखना है ना, मोटी जो नत होती है, बेसरी और भंवरा ये याद रखना अपने, बेसरी हो ही गई, नाचता हुआ मोर बना होता उस पर, चूंप और रखन बताई दिए, हार चंद्रहार ये अपने को बताइए, झालरा याद रखना एक थोड़ा सा ना, झालरा भी गले का है, कांठला झालरा कंठ में होता है, तो कांठला याद, तांती बताइए, कंठी अभी कंठी पर मोर बोला,
मुक्तमाला अमीर परिवार की महिला है, हंसली हो गए अपना, थुसी आड़ ये हो गए, रामनवमी और तुलसी याद रखना ना, रामनवमी अमेल अमेल बताया था, तुलसी रामनवमी और तुलसी एक आ गया, तुलसी इसी में नहीं था क्या, क्या हो अच्छा उधर तुलसी भी था गले में, हाँ गया, छोटे छोटे मोतियों की माला, रामनवमी और तुलसी दोनों नाम, मंगलसूत्र बताइए अपने, ये भाई हो गए आपके आभूषण। तो मैं वापस पूछा पे नहीं जा रहे कंठ में।